सो हे गाइस, इट्स मी डीप्लाई बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है एक जबरदस्त DIY। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो हमारे पास ये पुराना हेलमेट था, बहुत गंदी बास आ रही थी इसके अंदर से, बहुत पुराना हो गया था एंड इसके अंदर जो फोम है वो भी फट गया था, तो इट वॉज एब्सोल्युटली यूजलेस नाउ। तो मैंने सोचा ये हेलमेट को रिस्टोर कर दूँ एंड एज हम लोग इसे फेंकने ही वाले थे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम टू डू समथिंग कूल विद इट। तो मैंने सोचा यार, वो वर्ल्ड वॉर 1 में पायलट के हेलमेट होते थे, वैसे कुछ तो स्पेशल बना दूँ थोड़ा मिलिट्री स्टाइल। तो लेट्स सी हम लोग ये वीडियो में क्या कर पाते हैं। तो वैसे यूट्यूब पे भी मैं थोड़े रिस्टोरेशन वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो लेट्स सी हम लोग ये वीडियो में तो हम लोग के हेलमेट को रिस्टोर करने वाले हैं। अभी मैं इसे सैंड कर रहा हूँ सैंड पेपर से अच्छी तरह, ताकि इसको स्प्रे पेंट करना काफ़ी आसानी से हो जाए इसके ऊपर स्प्रे पेंट। एंड इसके अंदर का फोम है वो मॉम हमारी सी देगी, ऐसे मुझे लग रहा है। लेट्स सी, तो मम्मी इधर इज हेल्पिंग मी टू मेक द DIY। वो हेलमेट को सी रही है एंड उसका फोम बहुत सारी जगहों से निकला था, और फोम के बिना हेलमेट पहनना इज़ इम्पॉसिबल, मुँह को लगेगा बार बार। तो मम्मी हमारी अच्छे से हेल्प करके दे रही है। मैं भी सी सकता था पर मॉम ने कोर्स किया है सीने का, तो बहुत अच्छे से ये सब मस्त काम करती है। इवन वो टीचर थी, तो क्राफ्ट का काम एक्चुअली मॉम को बहुत अच्छा आता है, तो मॉम हमारी हेल्प कर रही है। और हम लोग ये सब छुपके कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू सरप्राइज दीपिका। ये उसका फर्स्ट हेलमेट है, मतलब उसको जब भी हम लोग ने पांड्री गिफ्ट की थी भाई ने, तो तभी का हेलमेट है एक्चुअली। तो मॉम ने काफ़ी जल्दी लाइक 2 मिनट्स के अंदर एक साइड पूरी तरह से सी दी है, अभी सेकेंड साइड करेंगे हम लोग। और ये सारा जो आप पार्ट देख सकते हो जो गंदा हुआ है, उसको मैं सोच रहा हूँ एक मस्त मिलिट्री ग्रीन स्प्रे पेंट कर दूँ, तो पूरा आर्मी जैसा हेलमेट लगेगा। रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स आते हैं वैसे। लेट्स सी व्हाट वी कम अप विद, एक्चुअली डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन द स्प्रे पेंट दैट वी गेट। तो गाइज, मैं मेरे बिल्डिंग में नीचे लेके आया हेलमेट पेंट करने के लिए, स्प्रे पेंट करने के लिए, और आप भी यही करना बाहर कोई ओपन स्पेस में पेंट करना, नहीं तो आपको फ्यूम्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दीज आर द पेंट्स दैट वी हैव राइट नाउ। सो ये पेंट्स मेरे पास थे पहले से, अगर आप ये पूरा स्टार्ट से करोगे तो आपको महंगा पड़ सकता है, तो यू डिसाइड विच पेंट टू गो फॉर। अभी इवन आई एम कन्फ्यूज राइट नाउ। This is the color that I'll be using, which is called as the deep green by Bosni. And also it is very important to wear a mask. So mask pehen liya maine, and now we will start painting the helmet, spray painting it with deep sea green. And I am using deep sea green. Iska ye reason hai ki I exactly did not get the perfect shade military wali. So no problem. Still, isse results mujhe lagta hai kafi achhe aayenge. Let's see. Let's do it.
सरप्राइज दीपिका के लिए एक सरप्राइज है मेरे लिए। हाँ तो मुझे झूठ बोला, बोला मुझे थंबनेल निकालना है। हाँ तो मैं अभी सरप्राइज दिखाता हूँ, मैंने बाथरूम में रखा है। अरे बाप रे, कोई कैट बिट नहीं है। Okay. Oh my God! It's like the World War One army helmet. हाँ तो उसको पूरा चेंज कर दिया। चेंज ही कर दिया, वाव! और उसको धोया है, अंदर से बहुत गंदा स्मेल आ रहा था। उसको सूखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हाँ सूखना है, पर बाकी कलर हो गया है। तो you can see. वो कैप्टन अमेरिका में देखा था ना वर्ल्ड वॉर वाला हेलमेट, वैसे मैंने बनाने को ट्राई किया है। उसके ऊपर एक मस्टार है। तो ये तो तूने यूजफुल कर दिया रे, हम लोग फेंकने वाले थे। ये फेंकने वाले थे, कचरे में ही रखा था। और सी वेयर दीज एविएटर्स, वो फुल फेस हेलमेट नहीं है एक्चुअली, उसको वाइजर नहीं है। बट टू बी सी इट लुक्स सो कूल। अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जो फाइट था वो बहुत लेम लग रहा था, तो आई वांटेड टू मेक इट क्रिएटिव। अच्छा, सी हाउ इट इज। ऊपर से एग्जैक्टली एक्चुअली थोड़ा ये स्टार है ना एकदम सेंटर में नहीं है, पर वो समझता नहीं है दूर से। ओके, यू कैन सी हाउ इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक। एंड मुझे तो एक कैप्टन अमेरिका की मूवी याद आती है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ उसमें देखा था। हाँ सिमिलर। तो इधर वाइजर के लिए प्रोटेक्शन था ये साइड में, मतलब बहुत कुछ था इधर। तो मैंने वो अनस्क्रू कर दिया क्योंकि उसका अभी यूज़ नहीं है, वो वाइजर टूट ही गया था। तो वैसे हम लोग पहनेंगे इसको एविएटर्स के साथ, और मोस्टली हम लोग के पास पिलियन हेलमेट नहीं था, तो हम लोग ये पिलियन के लिए इस्तेमाल करेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्नड आउट। पीछे के साइड भी आप देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में स्प्रे पेंट किया, तो कोई कोई जगह पर पूरा रिफ्लेक्टिव फिनिश आया है, तो कोई कोई जगह पे मैट है, तो वो आप ध्यान रखना। बट ओवरऑल इट इज़ लुकिंग लाइक अ पायलट्स हेलमेट, जो फाइटर प्लेन चलाते हैं वैसे कुछ फील आ रही है। तो या ओके, तो मेरे पे कुछ इस तरह दिख रहा है। आई जस्ट शो यू, क्योंकि आई आल्सो वांटेड टू शो यू मेरे पे कैसे दिख रहा है। मैं करूं शूट? ओके, यू कैन शूट इट इन 360 डिग्रीज। तो ओके वेट, मतलब ऐसे हम लोग पहनेंगे शेड्स के साथ, क्योंकि वाइजर नहीं है तो हवा लगता है जब भी हम लोग बहुत स्पीड में चलाते हैं। तो इट इज लुकिंग कूल ऑन यू। तो यार रिस्टोरेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है, आप बताना आपको कैसे लगा। वैसे तो हम लोग इसे कचरे में फेंकने वाले थे लिटरली, पर हम लोग ने इसको रिस्टोर कर दिया है सक्सेसफुली, एंड नाउ वी कैन यूज इट एटलीस्ट एज अ पिलियन हेलमेट। सो वेल गाइस, आई होप दिस डीआईवाई हैज हेल्प्ड यू इन सम वे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे दूसरे वीडियो भी देखिएगा, and I'll see you guys in the next one. Tata. Bye.